नमस्ते जयसील सी, मैं पिछली साल नीट दिया था तब 525 नंबर आए थे, 525 से 665। क्या बात है यार, क्या बात है, 140 का इंक्रीमेंट गजब। पिछली बार 525 आए थे, उस टाइम बहुत मेहनत की थी मैंने, लेकिन फिर हौसला टूट गया कि क्या करें। बस फिर भाई बोला कि दोबारा कोचिंग ले ले, फिर ये मनीष भाई से मिले, ये दोस्त है भाई के। अच्छा, तो इन्होंने सीएलसी में करवाया, तो फिर यहाँ पे खूब मेहनत की मैंने। तो क्या 1 तारीख थी तब दंगल स्टार्ट होने वाला था, तब हिम्मत हार दी था मैंने, बोस के पास आए भी मेरे पास आया तो मैं, सर घर जाना है, यहाँ पे डिप्रेशन में आ चुका हूँ, बहुत टेंशन हो चुकी है। तो सर बोले कि नहीं जाना घर। फिर मैं एक दिन घर होके आया था आपको बिना बताए, फिर घर होके आया, थोड़ा कूल होके आया, फिर दंगल दी, दंगल का एवरेज चला, अच्छा चला। फिर नीट में पता नहीं अपने आप ही चमत्कार से आया, मेरे खुद को मैंने तो 2 बार पेपर मिलाया, इतने ज्यादा कैसे आ गए, खुद ही विश्वास। देखो ये हिसाब को संस्था का डायरेक्टर कर सकता है क्या? बच्चे का मन नहीं लग रहा है, अपने मुखिया के पास आता, घर जा रहा हूं, अब ताला कोई करने जा रहा, मैंने कहा 665 नंबर है, पूछ लेते हैं। उस समय भी सीएलसी ना होता तो घर निकल जाता, तो शायद नंबर तो 2 बार फिर जोड़ता, पर कम वालों पे विश्वास करना पड़ता। फिर अब ज्यादा वालों पे उसका विश्वास हो रहा है। 665 हरियाणा स्टेट का बच्चा है तू, कैटेगरी ओबीसी, क्या बात है। कहा रहता तो और कोई मैसेज 140 बढ़े तो नहीं यार, कोई मैसेज देना चाहता है क्या? मैसेज तो क्या, बस हारना नहीं है, लगे रहना है, रुकना नहीं है, बस विश्वास करो। और घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने। मैं बहुत टेंशन लेता था, एग्जाम में भी हेडेक हुआ बहुत भयंकर, पता नहीं फिर अपने आप ही नंबर आए जो हुआ। थैंक यू डियर, थैंक यू।